So after setting up labels, second analysis or to control the material is ABC analysis. Don't confuse with activity based costing. वो ABC costing है और ये ABC analysis और ABC. तो कल भी बात हुआ था सर अपना और पहले भी बात हुआ था कि ना सारे मेटेरियल को ना अपने क्लासिफाई करेंगे तीन कैटेगरी में बेस्ड ऑन वैल्यू एंड नंबर ऑफ आइटम्स. द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एबीसी इज किसको सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जाए, किस पे ज्यादा खर्चा किया जाए फॉर कंट्रोल, और किसको कम खर्चा किया जाए फॉर कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब है कम वेस्ट होना चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लॉस कम से कम होना चाहिए, एफिशिएंसी इंक्रीज होना चाहिए, मैक्सिमम यूसेज होना चाहिए. फिर हमने को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखना है कि मेटल का कॉस्ट है रुपीज में 1 रुपया 2 रुपया और आइटम है 1000 नंबर्स. स्टोर रूम में सबसे ज्यादा स्पेस वही आइटम लेके रखा होगा, मैं उसको बाहर भी रख दू तो कोई लेके नहीं जाएगा और उसके लिए मैं सिक्योरिटी गार्ड लगाऊं 10000 रुपया. देख 2000 का आइटम नहीं है और 10000 रुपया का सिक्योरिटी गार्ड, तो करना चाहिए क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोल ना. बट आइटम सर बहुत कम है, 4-5 आइटम है बट उसका कॉस्ट है 50,000 रुपीज. तो कंट्रोल मैं वहां करूं या मैं वो डब्बाज खाली बॉक्सेस उस सब पे कंट्रोल करूं? पिछले तुमने देखा होगा शॉपकीपर के दुकान में भी जो बेकार का मेटेरियल होता है वो पूरा बाहर में लगता है ऐसे, फिर ले जाए तो भी प्रॉब्लम है साइड यूड में. बट जो आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने पास, लाइक केसर नहीं काजू किशमिश, फिर कल बात होता है ज्वेलरी में सर डायमंड सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा. डायमंड गोल्ड एंड सिल्वर सबसे कम स्पेस लेंगे बट सबसे ज्यादा वैल्यू है इनका. बट आर्टिफिशियल ज्वेलरी थोक के भाव में पड़ेंगे, जरूर एक आध चोरी हो जाए तो भी चलेगा, स्ट्रांग रूम जरूरत नहीं है उसके लिए. बट गोल्ड ज्वेलरी के लिए स्ट्रांग रूम जरूरत है. तो वो बोल रहे कि किसको ज्यादा कंट्रोल करे, किस पे ज्यादा पैसा खर्चा करे फॉर कंट्रोल पर्पस और किसको कम कंट्रोल करे. तो एबीसी सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है, देयर आर मेनी अदर कैटेगरीज आल्सो फॉर कंट्रोल पर्पस. लोअर कॉस्ट HML VED FSN गोल्फ SOS ये भी क्लासिफिकेशन है अपार्ट फ्रॉम ABC एनालिसिस. बट इन सबका पर्पस क्या है कि हाई कंट्रोल लो कंट्रोल. तो ABC में जो ऑब्जेक्टिव है सर, ABC में जो अपने क्लासिफाई कर रहे हैं टू कंट्रोल हाई एंड लो, वो सारे जगह सेम ही है अदर कैटेगरी में. बट ABC क्या है, जैसे मैंने कहा ABC में पहले तो सारा मेटल को अपने क्लासिफाई करना है ए बी एंड सी कैटेगरी में. सर वो कैसे? अपने पास दो मेजर है, वन इज क्वांटिटी अदर वन इज वैल्यू. सर टोटल क्वांटिटी का, टोटल क्वांटिटी इज 100% इन परसेंटेज. अगर मैं नंबर काउंट करूं सबका, तो सबको अगर मैं काउंट करूं तो सारे क्या होंगे सर काउंट करने के बाद? 100. अगर मैं बोलूं मेरे पास 70 आइटम्स है तो 70 आइटम इज इक्वल टू 100 आइटम्स ना, 100%. Can we say? और 70 में अराउंड 5 आइटम्स है जिसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू है. दैट मीन्स सर उसका क्वांटिटी वाइज परसेंटेज वाइज सबसे कम है. ये 10% नॉट नेसेसरी कि 10 ही होना चाहिए सर. लेस नंबर ऑफ आइटम बट हाई वैल्यू. दैट मीन्स 70 आइटम्स में मेरे पास 5 आइटम्स है जो सबसे कम अकाउंट में बट उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है. दैट मीन्स अगर मेरा 70 आइटम्स का वैल्यू 1 लाख है तो ये 5 आइटम का वैल्यू अराउंड 60,000 रुपीज एंड बाकी 65 आइटम्स का वैल्यू 40,000. दैट मीन्स एक कैटेगरी में क्या है सर, हाई वैल्यू लेस नंबर ऑफ आइटम. सी कैटेगरी में क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स बट लोवेस्ट वैल्यू. मेरे टोटल 70 में 50 आइटम्स सी कैटेगरी में जिनका वैल्यू ऑलमोस्ट
10,000 रुपीज। तो मैंने कहा एग्जाम्पल में पर्पस ये कि इज नॉट नेसेसरी 10-70 और 20-20 और 70-10। पर्पस है सर लेस नंबर हाई वैल्यू, हाई नंबर्स लेस वैल्यू एंड इन बिटवीन एवरेज वन। तो हमें क्लासिफाई कर देना जितने आइटम्स होंगे मेरे को ए बी एंड सी कैटेगरी में क्लासिफाई कर देना। क्लासिफाई करने के बाद क्या करना है, और क्लासिफाई ए कैटेगरी क्या हाई वैल्यू लेस नंबर्स, सी कैटेगरी हाईएस्ट नंबर्स लो वैल्यू एंड बी कैटेगरी एवरेज वैल्यू कैन इन बिटवीन ए एंड सी। सर करना क्या क्लासिफाई करने के बाद कंट्रोल हमें दिखना है। सर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसको करना है ए कैटेगरी हाई कंट्रोल, और सबसे कम कंट्रोल इवन नो कंट्रोल सी कैटेगरी। दैट मीन्स सर कंट्रोल कैसे करेंगे रेगुलर सिस्टम विच एंश्योर्स नीदर ओवर स्टॉकिंग नोर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। तो बहुत ज्यादा रख ले, बहुत ज्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है सर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हाई इन्वेस्टमेंट क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू लगा हुआ मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा गुड। और कम रखेंगे प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स दे आर अगेन। मेरा ऑपरेशन का ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू मुझे दे रहा है। मैं ज्वेलरी के बाद को एक डायमंड बिके सबसे ज्यादा मार्जिन हुआ होगा इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। सर कैसे मेंटेन करेंगे सर जितने सारे अपने पास कंट्रोल करने के मेजर्स हम सब लगा देंगे लाइक मैंने कुछ एग्जांपल लेके बजट पहले एडवांस में बजट बना के रखेंगे कि कितना बाय करें कितना नहीं करें कितना रखें। सेटिंग ऑफ लेवल्स ईओक्यू डिटरमाइन करेंगे, आरओआर डिटरमाइन करेंगे, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल यहां सारा काम करेंगे। सी कैटेगरी में नो कॉन्स्टेंट कंट्रोल, कंट्रोल ही नहीं सर ऐसा ऑर्डर वंस और ट्वाइस देख लिया साल भर में खत्म हो गया तो ऑर्डर दे देंगे दो ठो कस्टमर वापस भी चल जाए ना कोई प्रॉब्लम नहीं जरूरत भी नहीं है बिल्कुल भी नो कंट्रोल का जरूरत नहीं इवन कंट्रोल इज नॉट रिक्वायर्ड वी कैन सी बट इसमें सर मॉडरेट एवरेज टाइप ऑर्डर पीरियोडिकली आफ्टर रिव्यू रिव्यू करेंगे क्या हो रहा है बट नॉट रेगुलरली बीच बीच में पीरियडिकली 3 months, 6 months विल रिव्यू दिस राइट डाउन एज इट इज। मैंने कहा कि परसेंटेज चेंज हो सकता है नॉट नेसेसरी 70 or 10 ही हो 60-20 भी हो सकता है डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस वो क्या दिया हुआ कितने परसेंटेज आइटम दिए हुए। हमें ये याद रखना है हाई वैल्यू लो नंबर। लिख लिया होगा नहीं ना एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस खाली बुलेट पॉइंट लिख देना। क्यों मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि इसका 4 marks का क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी आ सकता है तो जस्ट बुलेट पॉइंट कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ही हमें फोकस करना सबसे ज्यादा रेवेन्यू वही देगा सो कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन bullet points only a continuity in production b lower cost how lower cost because sir hum sab jagah control apply nahi kar rahe na jahan zarurat hai wahi kar rahe hain aur jahan requirement hai wahan hum uq apply karenge tumhara carrying cost and ordering cost kam ho jayega bekar ke material pe faltu mein kyon time waste karna. Point number 3 less attention is required definitely so valuable time bachega management ka wo jahan par zyada importance hai wahan decision making mein waste karenge instead of wasting in सी कैटेगरी आइटम। सिस्टमेटिक वर्किंग परचेस कैन बी
सिस्टमाइज ऑन अ रूटीन बेसिस टू बी हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट, मतलब वो डेलीगेट कर देंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम किसको करना है, लेस इंपॉर्टेंट आइटम लोअर लेवल ऑफ स्टाफ को भी डेलीगेट करने से चलेगा, तो सिस्टमेटिक वर्किंग होगा। तो जैसे मैंने कहा कि आप एबीसी तो सिर्फ दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम एबीसी मेनी अदर कैटेगरी टू क्लासीफाई और टू कंट्रोल दी मेटेरियल सिमिलर वे। तो तुम्हें करना क्या है, बाई चांस वो एबीसी नहीं बोल के तुम्हें क्वेश्चन में और कुछ बोल दे तो डरने का जरूरत नहीं है, याद तो रखना है कम से कम क्या सर ये भी वैसा ही है। HML, कम से कम ये पॉइंट लिख लो, HML हाई प्राइस मीडियम प्राइस लो कॉस्ट, दैट मीन्स ये सिर्फ प्राइस बेसिस पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, हाई प्राइस मीडियम प्राइस लो प्राइस HML, HML कैटेगरी, हाई प्राइस मीडियम प्राइस लो प्राइस, देन VED वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल, VED सबका वही पर्पस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट इंपॉर्टेंट, FSN सब बेस्ड ऑन कंजम्पशन, मूविंग फास्ट मूविंग स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, देन गोल्फ बेस्ड ऑन सप्लाई, किसको सप्लाई करना है, गवर्नमेंट सप्लाईज ऑर्डिनरी सप्लाईज लोकल सप्लाईज और फॉरेन सप्लाई, किसको हमको इंपॉर्टेंट ज्यादा देना, डिपेंड करता है रेवेन्यू कहां से आना, SOS सीजनल एंड ऑफ सीजनल आइटम्स, सीजनल एंड ऑफ सीजनल आइटम्स। अब जो लास्ट पॉइंट है,